हेलो आंशु लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? गाइस इससे पहले कि मैं पार्ट टू स्टार्ट करूं, मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है। एक्चुअली मैंने इसे पहले भी कहा है पर शायद पता नहीं, पर मैं कहना चाहती हूं। एक्चुअली मुझे क्विक कमेंट आया था कि बहुत ही क्यूट सा कमेंट आया था, मजाक में उन्होंने कहा था कि क्या मैं 18 प्लस की नहीं हूँ। मतलब जैसे मैंने बताया था कि मैं 17 की हूँ, तो उन्होंने पूछा था कि मैं 18 प्लस नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी ब्यूटीफुल एक्सीडेंटल हस्बैंड के रोमांस वाले पार्ट को सुना था। तो मुझे कमेंट आया था बस हंसी में ही। तो मैं बता दूँ कि हाँ मैं नहीं हूँ, तो लेकिन मैं सुनती हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया है ना कि मुझे इनफैक्ट मैं कोई रिलेशनशिप में भी कभी नहीं थी, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो पर मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर लेती हूँ और कैसे कर लेती हूँ, इसका रीज़न है कि मैं अदर एक्सप्लेनर्स को सुनती हूँ। मीन्स जो थंबनेल में जहाँ वो 18 प्लस के लिए दिखाते हैं, मैं उसे सुनती हूँ। बस मुझे एक आइडिया चाहिए था मैं कैसे मीन्स कहा जाता है। मैंने कुछ को देखा है कि वो सिर्फ कह देते हैं कि उनके पीछे स्वीट मोमेंट्स हैं, या कुछ होते हैं कि उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो बस मैं थोड़ा मिला जुला कर, और मैंने FS भी पढ़ी है जिसमें ऑफकोर्स रोमांटिक सीन्स होते हैं, तो या कुछ रीडर्स होते हैं जो स्किप कर देते हैं, पर मैंने रीड किया है तो ऑफकोर्स मुझे पता है, तो इसलिए बस थोड़ा मिला जुला के हो जाता है। और मैं इसलिए इस पार्ट में कह रही हूँ क्योंकि ये FF ऑफकोर्स थोड़ा रोमांटिक है इन कंपेयर ऑफ मेरे बाकी के FFs, क्योंकि इसमें दोनों कपल्स की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और इनफैक्ट हमारे ईजान का एक क्यूट सा बेटा है। तो रोमांस की बात करें तो ऑफकोर्स वो कपल्स में होती है, तो इसलिए ये FF में थोड़ा रोमांस ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपेयर ऑफ मेरी अदर FFs जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप जिसकी कंप्लेन थी कि दीदी आप रोमांस एक्सप्लेन नहीं करती, उनकी कंप्लेन कम हो जाएगी, क्योंकि हाँ मैंने पहले के कमेंट्स मैंने आपको दिखाए नहीं होंगे या मैंने आपको शो नहीं किए होंगे, लेकिन उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आते थे कि दीदी रोमांस का पार्ट कहाँ है, आप बहुत कम दिखाती हो। तो इसलिए बस ये FF में थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं मानती हूँ। तो चलिए आज का पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। पर मैं बता दूँ कि क्योंकि ये वांगशिन एंड ईजान दोनों हैं और दोनों की लाइफ अलग अलग है, बाद में जाके कंबाइन होती है या नहीं होती, क्या होती है ये बाद में डिफरेंस करेगा। लेकिन अभी जैसे हमने देखा था ईजान को की लाइफ को उस 5 अगस्त के डेट को, और अब हम लोग देखेंगे 5 अगस्त के डेट में हमारी वांगशिन ने मून रेल्म में क्या क्या किया। तो आई होप ये समझ आ रहा है आपको। एक प्यारी सी मेलोडियस सॉन्ग हमें सुनाई देती है, और कोई पर्सन आराम से एक पेड़ पे बैठकर उसे बजा रहा है। और तभी किसी दूसरे की दौड़ने की हमें आहट सुनाई देती, मीन्स आवाज़ आती है, और वो पर्सन जाके सीधे वो जो फ्लूट बजा रहा था उसके साथ वाले उसके पेड़ के ऊपर वाले ब्रांच पे आराम से लेट जाता है। उसकी म्यूज़िक ख़त्म होती है, और तब यहाँ हमारी वांगशिन की क्यूट सी कन्वर्सेशन होती है। हमारा ईवो हमारा लंचा कहता है तो फाइनली जाम्फू को चीज़ी की याद आ ही गई, मुझे तो लगा कि आप भूल ही गए मुझे। अच्छा जी मैं तुम्हें भूल जाऊंगा चीज़ी, ये भी कोई बात है, तुम मेरी दिल की धड़कन हो। बस 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 आपका ये जो ओवर ड्रामा है ना, और ये जो स्वीट स्वीट और चीज़ी चीज़ी लाइंस है ना, बंद कीजिए। हाँ ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, कई सारी किताबों में ये सेम लाइन्स है। तो बस हाँ मुझे मक्खन मत लगाइए, और ये बताइए कि हम 6 महीनों से जब मैं बाहर था तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं अपने डैडा के घर पे था और आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, ये कभी कोई बात होती है? मैं आपकी वाइफ ही हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास इतनी सी भी राइट नहीं मुझसे मिलने का। मैं जानता हूँ कि आपके और डैडा के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ उन्हें, पर वाइफ ही हूँ मैं आपका, पर
नहीं, आपकी तो बात ही नहीं करना, ये भी लेटर का रिप्लाई आपने नहीं दिया मुझे। ओहो फांची, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं बिज़ी रहता हूँ, बहुत बिज़ी रहते हैं आप, मुझे अच्छे से पता है आप कितने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, दिन भर इधर से उधर सिर्फ ताकते रहते हैं ना जाने किससे। उस अर्थ में आखिर कौन आपको ऐसा देखता है कि आप उसे इतना ज़्यादा देखते हैं। ओहो अर्थ को मैं काबू करता हूँ, तुम्हें पता है ना ओशन की लहरें जो वेव्स होती है उसे चांद काबू कर सकता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये मैं नहीं करूँगा तो तुम्हें पता है ना कितनी दिक्कत आ सकती है इंसानों को। हाँ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि आप मत काबू करिए, पर आप एक बार तुमसे मिलने आ सकते थे ना, या कोई लेटर भी भेज देते। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, आपको बताइए कितना ज़्यादा मुझे हर्ट करता है, पर आप कभी मेरी बात नहीं सुनते, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ उनसे। हमारा बुशियान जल्दी से नीचे जंप करता है और अपनी वाइफी के लिए हाथ आगे करता है, पर हमारा वांगती नाराज था तो रिजेक्ट करते हुए वो खुद नीचे कूदता है पेड़ से और कहता है मुझे मार्शल आर्ट्स आते हैं, मेरी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छी है, तो इतना ज़्यादा मत करिए, एक लेटर या आपको खुद आने में इतनी दिक्कत हो रही थी और आप अब कह रहे हैं कि हाथ में लूँ आपका, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा। हमारा बुशियान कहता है वाइफी तुम्हें पता है ना। रंजा कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे नहीं जानना, समझे आप, और बस मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपकी तरफ ही नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है। अब वहाँ से जाने लगा, हमारे बुशियान ने उसे कमर से टाइटली पकड़ा, पेड़ की तरफ पुश किया और तब उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाँ वांगजी कहता है क्या कर रहे हैं आप। उशियाम कहता है अरे मेरी वाइफ ही 6 महीने बाद अपनी डैडा के जलम से आई है, तो किस कर रहा हूँ, ऑफकोर्स तो मैं नहीं कर सकता। वांगजी को वो करने ही बात, तब वहाँ हमारे प्यारे से वांगजी की दो पर्सनल मेट्स कह लीजिए, सर्वेंट्स कह लीजिए, या उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स आती हैं चंचन और बेचन। हाँ ये मैंने आपको कहा था ये मून रेल्म है और ये मेरी फैंटेसी है, तो मैंने हमारे बुशियान के चंचन फ्लूट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रैगन का फॉर्म दिया है, क्योंकि हमारे मून रेल्म के मून जीती की इतनी स्ट्रांग कल्टीवेशन है कि क्योंकि चंचन उनका स्पिरिचुअल टूल है, तो वो चंचन को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और चंचन इंसान की फॉर्म भी ले सकती है या कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर की फॉर्म ले सकती है और बातें भी कर सकती है, और सेम बिचन भी ऐसा ही कर सकती है, और बांगजी की कल्टीवेशन भी स्ट्रांग है, इसलिए उसने भी अपने बिचन को एक 9-tailed फॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए परमिशन दे दी है और वो बातें भी करता है, और ये दोनों वांगजी के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर्सनल मेट्स हैं और पर्सनल सर्वेंट्स भी हैं, केवल उन्हीं को परमिशन है हमारी एम्प्रेस के आसपास रहने का, क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करती हैं, और तब वो दोनों वहाँ आती हैं, हमारा पीछे से बुशियान हमारा थोड़ा पीछे हो जाता है, और तब वो दोनों को ग्रीट करती हैं, क्योंकि हमारे मून रेल्म के एम्परर और एम्प्रेस हैं वो दोनों, तो ऑफकोर्स उन्हें ग्रीट करते हैं। हमारा प्यारा सवांगजी मुस्कुराते हुए कहता है और मेरी फ्रेंड्स मेरी दोस्त चलो 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 हमें जल्दी से मून रेल्म में चलना होगा ना, सभा में सब मेरा इंतज़ार कर रहा होगा है ना। वो दोनों कहती हैं हाँ चलिए, और हमारे प्यारे से बुशियान का किस तो अधूरा रह गया। हमारा वांगजी जाते जाते उसे एक ब्लिंक करता है, आँख मारता है, कहता है देखा मैंने ऑलरेडी जानता था कि आप यही करेंगे, तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, और अब किस तो आपको मिलेगी नहीं, बाय बाय। वो चिढ़ाते उसे वहाँ से चला जाता है, और उसके जाते ही बुशियान अपने घुटने पे आ जाता है और बहुत सारा ब्लड वो वॉमिट कर देता है। उसके बाद वो उठता है बहुत ही मुश्किल से और स्माइल करते हुए कहता है जब तक तुम ठीक हो मैं हर एक पेन को बेयर कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। वो वहाँ से उठता है, अपने कपड़ों को साफ करता है अपनी पावर्स से, ऑफ कोर्स उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, तो
उससे साफ करता है और वो पीछे पीछे उसके जाता है। हमारी वांग जी को ये सब नहीं पता था क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका था। हमारा फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही बड़ी सी मून रन की सभा दिखाई जाती है जिसमें सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ऑफकोर्स 6 महीने के बाद उनकी एम्प्रेस वापस आ रही है और वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बहुत सारी तैयारियाँ हुई थी। हमारा वांग जी ऑफकोर्स एक इमोर्टल है, इसकी वजह से वो सदियों से, जब से ये अर्थ बनी है तब से वो हुशियान के साथ यहाँ रहता है इस मून रियल में। और उसने देखा है लोगों को बदलते हुए, लोगों को अपने सामने मरते हुए। उसने बहुत सारा पेन बेयर किया है, बहुत सारी खुशियाँ को आते हुए देखा है। जब कोई न्यू बॉर्न होता है या किसी को न्यू पावर्स मिलती है, इनफैक्ट उसके जो सर्वेंट्स हैं विजन और सुगन, वो भी पहले से ऐसे नहीं थे। पहले वो दोनों ही स्पिरिचुअल टूल्स थे उनके। और तब वांग जी के लिए कुछ मीट्स थी, कुछ सर्वेंट्स थे, पर अब ये दोनों वांग जी के साथ 500 सालों से अप्रॉक्स रहती हैं। तो फिर वांग जी मुस्कुराते हुए एंट्री लेते हैं सभा में और सबके साथ, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऑफकोर्स हमारी एम्प्रेस की एंट्री है तो सब खड़े हो जाएंगे और हमारे पीछे पीछे एम्प्रेस के हमारे मून जीती पुष्यान भी आ रहे थे। और तब वहाँ हमारी वांग जी का एकदम ब्यूटीफुल सा वेलकम होता है। फ्लावर्स की बारिश होती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी। और तब हमारी वुशियान उसे अपने हाथ पकड़ कर उसके हाथ को सभा के सेंटर में जहाँ उनका सिंहासन है वहाँ दोनों जाते हैं और बैठते हैं। और हमारी एम्प्रेस की वेलकमिंग के लिए एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस होता है और कई सारे जो कलाकार होते हैं वो अपनी कला दिखाते हैं। हमारे वांग जी को ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एकदम बच्चों की तरह हैप्पी हो जाता है। और ये सबको पता है, इसीलिए जब भी वो कभी अपने डाडा के रैलम में जाता है घूमने के लिए या कहीं और, तो कुछ दिनों, महीने, साल या वो रह के आता है, तो उसके वेलकमिंग के लिए ऐसा होता ही रहता है। और ऐसा वांग जी को भी देखना बहुत पसंद है, वो देख रहा था। और आखिरी में जब सब कुछ फिनिश हो जाता है प्रोग्राम सारा, डांसेस या जो भी कुछ हो रहा था, तो फिर हमारा वुशियान सबके सामने वांग जी को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टैंड में उठा लेता है। और वांग जी कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप, सभा में हैं, ये क्या तरीका है, आप एम्परर हैं। वुशियान स्माइल करते हुए कहता है, ऑफकोर्स, तो मेरे लोगों को, मेरे किंगडम के लोगों को जानना चाहिए ना कि उनके एम्परर उनकी एम्प्रेस से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब तुमने सारी जो तुम्हारे लोग हैं, जो तुम्हारी किंगडम के पीपल हैं, उनसे तुमने उनका गिफ्ट ले लिया, और अब जो तुम्हारे लिए मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने खुद को प्रिपेयर किया है, उससे भी तो मुझे तुम्हें सर्व करना होगा ना मेरी एम्प्रेस। तो उसने अब ब्लिंक किया और जब वांग जी के कान दोनों तरफ से तुम लाल टमाटर की तरह हो गए, तो उसने कहा, शिव जैस कितना ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए आप, उतारिए मुझे, और ये सभा है, समझे आप। हुशियान कहता है, वही तो, अगर मुझे रेजिस्ट किया, मुझे मना किया, तो मैं तुम्हें यही क्विज करना स्टार्ट कर दूँगा, तो ये तुम पर डिपेंड करता है, क्या तुम कमरे में चलोगे या हम यहीं कंटिन्यू करें। वांग जी ने कहा, सो सीमलेश, और उसे शर्मा कर हुशियान के चेस्ट में अपने चेहरे को छुपा लिया। हुशियान स्माइल करते हुए वहाँ से गायब होकर सीधे उसके ब्यूटीफुल से एकदम बड़े ऐसे कमरे में पहुँचता है। अतः वांग जी कहता है, अब कितने ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं, शेमलेस। हुशियान धीरे से उसे बेड पर रखता है और उसके तरफ छूटते हुए कहता है, तुम्हें देखना है मैं कितना ज़्यादा शेमलेस हूँ। सुनते ही हमारे वांग जी की गाल एकदम टमाटर की तरह लाल है। अतः हुशियान हंसते हुए कहता है, मेरे प्यारे जुन, देखो तुम्हारी बॉडी तो मैंने केवल कहने से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो कितनी ज़्यादा तुम्हें बड़ी रिएक्ट करती मेरे बातों से, तो सोचो अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तुम रो भी नहीं पाओगे। तुम्हारा प्यारा सा वांग जी कहता है, हाँ तो क्या आप मेरे हस्बैंड हैं, तो मेरे शैम्पू है, तो मेरी बॉडी आपके लिए रिएक्ट नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी, ये क्या बात होती है। वो टॉपिक को चेंज करना चाहता था, पर हुशियान तो हुशियान है, वो उसके पास छूटता है और उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट करता है। और ये 6 महीनों से वांग जी भी अपने शैम्पू से दूर था,
तो ऑफकोर्स वो भी थोड़ा सा नीडी है, वो भी थोड़ा सा उसे भी अब उसके साथ कुछ चाहिए, तो उसने मना करने की जगह, उसे डांटने की जगह उसने भी उसे किस करना स्टार्ट किया। और जब होशियान को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हमारा जुन रेडी है, तो ऑफकोर्स वो खुद को रोकेगा क्या? उसने धीरे 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 उसके किस को और डीप करना चाहा, और डीप करते हुए उसके लिपस्टिक जोर से बाइट कर लिया। उसने कहा मुझे बाइट क्यों किया, हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमारे जुन ने कंप्लेन करते हुए कहा। तो होशियान ने कहा मेरे प्यारे से हैंगवंग जुन, तुम पता है ना तुम मेरे हो। तो फिर उसने कहा हाँ मुझे पता है मैं आपका हूँ, तो मैं किसी और का कैसे होऊंगा। तो फिर हमारे प्यारे से मून जी ने कहा क्योंकि तुम्हारे लिए शादी का प्रपोज़ल आया है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें फादर ने तुम्हें बताया नहीं। तो फिर क्या, हमारे प्यारे से जिन ने पूछा। तो फिर होशियार ने कहा ऑफकोर्स उस पर्सन ने तुम्हारे फादर के घर लेटर भेजा शादी का, और मेरे पास भी। फिर हमारा जिन एक्साइटेड होकर पूछता है क्या कौन है बताइए ना। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड देखकर हमारे हैंगवंग जुन को विंग को गुस्सा आ गया, उसने उसे टाइटली पकड़ा, अपनी तरफ पुल किया, उसके चिन को पकड़ते हुए कहा तुम मेरे हो, तुम आखिर कैसे सोच सकते हो, और तुम नाम पूछ रहे हो उसने किसने भेजा। हाँ तो जुन कहता है ऑफकोर्स अगर मेरे लिए ऑप्शन है तो मैं चूज़ करना चाहूँगा। तो होशियान पाउट करते हुए हट जाता है उसके पास से और कहता है ठीक है जाओ, मुझे नहीं रोकना तुम्हें, तुम बोर हो ना मुझसे, सदियों से हम लोग एक साथ हैं इसीलिए, है ना। जुन अपने प्यारे से हस्बैंड की इस नॉटनेस को देखकर, उसकी इस एंगर को देख के, जेलेसी को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, और उसे पीछे से हग करता है और कहता है माय हस्बैंड वैसे आप बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, पहली बार तो मेरे प्रपोज़ल नहीं आया है, सदियों से प्रपोजल्स तो आते हैं, और क्या मैंने कभी उसे एक्सेप्ट किया है, आप मेरे जेलस क्यों हो रहे हो। तो फिर हमारा प्यारा होशियान कहता है क्योंकि वो ह्यूमन रिम से तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि वो ओशन एम्परर की बेटी का है। क्या गोगो का, सच में उन्हें लगता है कि मैं तो शादी करूँगा। ओहो जान, होशियान कहता है क्या गोगो। तो जुन कहता है हाँ वो मेरे बड़े भाई की तरह है, और मैं उसे शादी नहीं करूँगा, मैं तो बस उनसे मिलने जाता हूँ, ये बात सही है क्योंकि मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना मुझे बहुत पसंद है, बस मैं इसलिए जाता था, और वो तो मेरी गगन है, और आपसे वो मिलने आपसे काम के लिए आते थे तो बातें हो जाती थी, मैंने कोई गलत इशारा नहीं दिया, हाँ मैं सच में कह रहा हूँ। तो जुन ने तब होशियार ने जुन के कमर में अपना हाथ रखा, उसे अपनी तरफ खींचा, कहा सच में। तो जुन ने कहा हाँ सच में वो मेरी गगन है। तो होशियार ने कहा तुम्हारी गलती है। जुन ने कहा हाँ मेरी गलती है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है सच में। होशियार ने कहा तो उसने प्रपोज़ल क्यों भेजा, मुझे क्या पता उसने प्रपोज़ल क्यों भेजा। जुन ने रिप्लाई किया। तो जानने का होशियार ने कहा अच्छा ठीक है बस हुआ, बहुत हुआ, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो जुन ने कहा क्या चाहिए। तो फिर हमारे प्यारे से होशियार ने एक डेविल सा स्मोक किया और कहा मुझे क्या चाहिए, वो मेरे आर्म्स में है। तो जुन ने कहा रुकी 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 अभी नहीं, हाँ अभी नहीं, रुकी रुकी रुकी। होशियार ने प्यार से पाउट करते हुए कहा क्यों क्यों रुकी है। तो जुन ने रिप्लाई किया आपने मुझे वादा किया था कि जब मैं वापस आऊँगा और तब आप मुझे पूरा ह्यूमन रियल्म घुमाने के लिए लेके चलेंगे, आप वादा करते हो पूरा भूल कैसे जाते हो, अभी यहाँ तक कितनी बुरी है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे खुद अर्थ पर लेके जाएंगे और मुझे घुमाएंगे, वहाँ का टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी खाना खिलाएंगे और मुझे वहाँ की जगह के बारे में बताएंगे, पर आप भूल कैसे गए एग्जाम को, अब यहाँ तक इसको मैं क्या करूँ। तो वेंग ने हंसते हुए कहा अच्छा तो तुम्हें मेरी याददाश्त की चिंता हो रही है, भूलो डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्यार करना नहीं भूलूँगा,
तो फिर जंगल से धीरे से हिट करते हुए उसके चेस्ट पे कहा, कितने पावर्ड हो गए हैं शेमलेस। जाने वुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे पावर्ड या शेमलेस वाली कौन सी बात है, अपनी वाइफ ही से ही तो बातें कर रहा हूँ और थोड़ा और किसी के साथ थोड़ी ना बातें कर रहा हूँ। तो जिन ने कहा, जी ठीक है मुझे बनाइए नहीं, आपको मेरे साथ ह्यूमन रन में चलना होगा और आपको मुझे वहाँ घुमाना होगा। आपको पता है ना मैं आपके बिना मून के बिना मूनलाइट अर्थ पे नहीं जा सकती है, सिवाय आपके मैं अर्थ पे अकेले कैसे जाऊँगा, प्लीज़ ना। जाने वुशियान ने उसके हाथ गालों पर दोनों हाथ रखे, उसे प्यार से किस किया और कहा, जानता हूँ मूनलाइट को मून की ज़रूरत है और बिना मून के मूनलाइट अर्थ पर नहीं जा सकती है, ठीक है हम लोग चलते हैं, चलो फिर और आने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ तो जिन्ने का मैं सोचूँगा और स्माइल करने लगा। तब वुशियान ने कहा, देखो ऐसे क्यूट सा इनोसेंट सा प्यारा सा स्माइल करोगे ना तो फिर मैं कैंसिल कर दूँगा और मैं कुछ और करना स्टार्ट कर दूँगा। तो जिन्ने पॉज करते हुए कहा, ये क्या बात हुई, आप कितनी ज़्यादा शेमलेस है, आपके दिमाग में हमेशा यही सब गंदी गंदी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर वुशियान ने कहा, अरे गंदी गंदी चीज़ें कैसे, तुम्हें भी तो ये बहुत पसंद है ना। हाँ तो जिन्ने उसके चेहरे एकदम लाल टमाटर की तरह गाल गए और वो शाई करते हुए कहा, चल रही आपको चलना है कि नहीं, फरना मैं कुछ और के साथ चलना चाहता हूँ, ठीक है अब मुझे मत लेके जाइए। तो वुशियान ने खींचा उसे अपनी तरफ खींचा, कहा अच्छा ठीक है बाबा हम चलते हैं। तो हेलो वांशी लवर्स एंड इशा लवर्स, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ये क्या होता है। हमारे वांशन अर्थ पे जाने वाले हैं और हमारे अर्थ के ईशान क्या उनसे मिलेंगे और क्या होगा, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो गाइस ऑलवेज वांशन एंड इशा, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।